क्या बात है कान्हा, तुम्हारी बांसुरी और तुम दोनों ही मौन है आज। किस गहन विचार में हो? जब बाजी प्रेम की बिछी हो दाव, तो हर चाल हर कदम सोच विचार करके रखना पड़ता है। तो मेरे प्रिय अनुज का अगला कदम क्या है? प्रारंभ एक नई यात्रा का, एक नए परिवर्तन का। राधा की धारा परिवर्तित करनी है दाव, विरह की नदी बनकर गोलोक से मृत्युलोक की यात्रा की है उसने। अब उसे अपने उद्गम की ओर जाना। आज वो प्रेम के विरुद्ध एक धारा है, उसे प्रेम की देवी राधा बनना होगा। किंतु ये होगा कैसे कान्हा? मनुष्य के रूप में जन्मी है ना दाव, तो उस शरीर की सीमाओं से बंधी हुई है। भय, क्रोध, ईर्ष्या, काम, मोह, इन सब अशुद्धियों से बाधित है वो दाव। इस यात्रा में राधा को उन अशुद्धियों को स्वयं से दूर करना होगा, इस पार से उस पार आना होगा। पर राधा की ये परिवर्तन यात्रा आरंभ होने वाली है, और इस यात्रा की नैया भी मैं ही हूं, खिवैया भी मैं ही उसका साधन हूं और मैं ही उसका साध्य भी। फिर ये भी बता ही दो कान कि राधा की ये महायात्रा आरंभ कहां से होगी? उस भाव से जो हर नई यात्रा से पूर्व हमें घेर लेता, भय। ये भय ही तो है दाऊ जो मनुष्य को जीते जी मार देता। हमें हमारी पहचान में सबसे बड़ी बाधा है ये भय, और राधा को अपनी इस महायात्रा का आरंभ भय के अंत से करना हो। तो भय से अभय की ओर जब जाएगी राधा, तभी दूर होगी कृष्ण के मार्ग की पहली बाधा। थोड़े दिन और रुक जाओ मित्र, जब तक निवास के लिए कोई नया स्थान सुनिश्चित ना हो जाए। सारे गोकुल को लेकर कहां कहां भटकोगे? वृषभान जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम में से कोई भी नहीं चाहता कि आप लोग यहां से जाएं। मेरी मानिए तो कम से कम दीपावली तक रुक जाइए। यशोदा काकी, समझाइए ना नंद काका को, रुक जाइए ना। वैसे राधा का तर्क उचित है मैया, वो मुझे भी ऐसा ही लगा है ना कि हमें हम कुछ दिन के लिए रुक ही जाते हैं। कब तक छल करोगे कृष्ण? एक दिन और सही, उसके पश्चात बरसाने में एक क्षण नहीं रुकने दूंगी तुम्हें। जटिले काकी, आपने कुछ कहा? नहीं,
मैंने अभी तक कुछ कहा नहीं। आपने सच में कुछ नहीं कहा? नहीं। तानी क्या हो गया मेरे कानों को? आजकल ना कुछ कुछ सुनाई देता है मुझे। माँ मैं मंदिर जा रही हूँ। जाऊँ? जाओ। भगवान सुना है आप निर्दोष को दंड नहीं देते। जो हुआ उसमें नंद काका यशोदा काकी और गोकुलवासियों का कोई दोष नहीं है, फिर क्यों उन्हें कष्ट मिल रहा है? मेरी केवल आपसे इतनी प्रार्थना है कि नंद काका यशोदा काकी रोहिणी काकी दाऊ और समस्त गोकुलवासियों की रक्षा करना। न जाने वो कृष्ण यहाँ अब एक दिन रुककर क्या खेल खेलना चाहता है। जब से यहाँ आया है सबके जीवन में हलचल मचा दिया उसने। मैं चाहती हूँ यहाँ से चला जाए, किंतु उसके कारण गोकुलवासियों पर कष्ट मत होने देना। सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश। किंतु केवल प्रार्थना से काम नहीं चलेगा, मेरी सखी को स्वयं मेरा साथ देना होगा। गोलोक से गोकुल और गोकुल से यहाँ आने का कारण तुम बनी हो, तो अब बरसाना से कहाँ जाऊँ इसका निमित्त भी तुम्हें ही बनना होगा। सुनो राधा, राधा बात तो सुनो, मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। तुम्हारा मौन सहने से श्रेष्ठ है मैं तुम्हारा क्रोध ही सहनूं। तुम्हारी मीठी वाणी तो सुनाई देती है उसमें। अब राधा, राधा बात तो सुनो। मैं प्रयास कर रहा हूं कि स्वयं अपने मामा का अंत ना करूं, और आप हैं मामा श्री की आकाशवाणी को सत्य करने की शीघ्रता में। अंत कर दो बकासुर, नष्ट कर दो उस कृष्ण को। अपनी पूरी शक्ति लगा दो बकासुर और बन जाओ मेरे काल का का। वैसे आपने इसे भेजकर उचित ही किया है मामा श्री। अब बकासुर का उपयोग मैं राधा को उसके गंतव्य तक पहुंचाने में करूंगा। राधा कृष्ण के बीच की पहली बाधा पार करने में। क्या हो रहा है? मेरा संतुलन स्वयं ही कैसे बदल रहा है? चलो राधा अपने प्राण।
कांड मचाओ। राधा की पहली बाधा दूर करने निकला, यहां तो इतनी सारी बाधाएं आ गई। तुमने सुन भी रहा मैं क्या बोल रही हूं? तुम्हें सुनाई दे रहा है? कैसे मुस्कुराई जा रहे हो? बहरे हो गए हो क्या? कृष्ण 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 मुस्कुरा क्यों रहे हो? वो आज पूरे दिन में तुमने मुझसे पहली बार कुछ कहा है। किंतु मैं तो केवल तुम्हारी सहायता। इतनी बार कहा है मेरी सहायता मत किया करो। तुम नहीं होते तो सब चुप होता। तुम हो इसलिए मैं इस गरीब वन में फंसी हूं। अच्छा राजा सुनो, जिस मार्ग से तुम जा रही हो हम उसी मार्ग से आए हैं। उस मार्ग पे वो असुर हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, रुक जाओ। हमारी नहीं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अब कोमल कन्याओं का भक्षण असुरों को बहुत भाता है, रुक जा। डर को सादे यहां नहीं रुक सकती। मेरे माता पिता को मेरी आवश्यकता है, मुझे जाना होगा। सोच लो, यदि तुम अभी वन से बाहर निकली तो वो असुर तुम्हारे प्राण ले लेगा। यहां तुम्हारे साथ जीने से श्रेष्ठ कि मैं वहां जाकर अपनों के साथ मरूं। राधा इससे पहले चोट खा जाओ, रुक जाओ। आ!